डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट वेरियस कंसंट्रेशन आर गिवन ब्लो। आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, फिर ए की कंसंट्रेशन दी गई मोलैरिटी में, बी की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर या मोलैरिटी में, रेट दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड में। तो भाई एक बात जरा यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि ये वन मतलब इसमें आपको ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर बताना है, और वो भी किस मेथड से बताना है, इनिशियल रेट मेथड से बताना है। तो चलो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट वन में जो दिया है वो दिया है ए की कंसंट्रेशन 0.2, बी की 0.2, रेट 2 है। यहाँ पर 2 में दिया है 0.2, 0.4 दिया है, 3 में दिया 0.6, 0.4, 36 दिया है। कह रहा द रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालो भैया, रेट लॉ को लिख डालो। ठीक है, तो ये दिया, पहला ऑप्शन दिया आर इक्वल टू के ए स्क्वायर बी की पावर 1 है, दूसरा दिया है आर इक्वल टू के ए फिर बी की पावर 2 है, फिर R इक्वल टू, तीसरा दिया है R इक्वल टू के ए की पावर 3 है, B की पावर 1 है, और चौथे में दिया हुआ है R इक्वल टू के ए की पावर 2 और B की पावर 2। तो चलो भैया हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल रेट मेथड से इसका ऑर्डर निकालते हैं, और ऑर्डर निकालने के बाद फिर रेट लॉ को लिख डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा के ए की पावर हमने मान लिया ए है, और बी की पावर मान लिया क्या है, बी है, यानी कि ए की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए होगी और बी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, बी आएगी। ठीक है ना, अब मेरे पास तीन एक्सपेरिमेंट है, तो तीन इक्वेशन बना डालते हैं। तो पहला इक्वेशन हमने यहाँ पर बना डाला, तो क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास हो जाएगा R, R जो है R की वैल्यू कितनी दे रहा है, R की वैल्यू 2 दे रहा है, तो भाई 2 हो गया इक्वल टू K जो होगा वो सेम होगा सभी के लिए। ठीक है ना, अब A जो है वो A कितना है, 0.2 है, उसकी पावर हो गई A, और B कितना है, 0.2 है, उसकी पावर हो गई B। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो रेट मेरे पास क्या दिया हुआ है, रेट दिया है 4 इक्वल टू हो जाएगा K। अब A की कंसंट्रेशन कितनी, 0.2 की पावर A हो जाएगी, और यहाँ 0.4 की पावर हो जाएगी B। ठीक है ना, अब तीसरे में देख लो भाई, तीसरे में अगर हम देखें तो रेट हमको दिया 36 इक्वल टू K, और A की पावर कितनी दी है, 0.6 की पावर A हो जाएगी, और यहाँ पर B जो है वो 0.4 की पावर B हो जाएगी। अब इन सब में सबसे पहले आप ये देखते हो कि A का कौन सा कॉमन वाला पार्ट है और B का कौन सा कॉमन वाला पार्ट है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई A का कॉमन वाला ये पार्ट है, यानी डिवाइड करने पर ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और B का अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट कॉमन है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 2 से, हमने क्या किया 1 को डिवाइड किया 2 से, तो 2/4 इक्वल टू, अब आपको समझ में आ रहा है कि के कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ में ना, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
करेगा तो बचा क्या, बचा ये बचा क्या 0.2 बाई क्या 0.4 की पावर क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, 2/4 को अगर आप लिखो तो ये 1/2 इक्वल टू ये यहाँ से पॉइंट गया, पॉइंट गया, ये भी 2/4 हो गया, यानी कि ये भी 1/2 की पावर क्या हो गई, बी हो गई। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर 1 इक्वल टू 1/2 की पावर बी, तो बी इक्वल टू आ गया कितना, 1 आ गया। जब बी इक्वल टू 1 आ गया तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास आंसर है वो ए और सी में से कोई एक होगा, यानी बी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अब चलो भाई ए का देख लेते हैं। अब ए के लिए हमने क्या किया कि 2/3 कर दिया, इक्वेशन क्या कर दी, 2/3 कर दी, 2/3 कर, तो भाई 2/3 की तो क्या हो गया, तो 2 में कितना है 4 है रेट और ये बाई 36 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और खे खे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0.2 बाई क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, तो ये 0.2 बाई 0.6 की पावर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4/9 क्या हो जाएगा 36, यानी कि 1/9 इक्वल टू यहाँ पॉइंट हटाए पॉइंट हटाए, ये 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, ए। अब 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का पावर 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। 9 जो होगा वो 3 का पावर जो होगा वो 2 हो जाएगा, और 1 के पावर 2 करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 की पावर 2 हो गया इक्वल टू जो होगा वो 1/3 की पावर a हो जाएगा। इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब भाई a इक्वल टू 2 ढूंढोगे कहाँ है, तो इसमें a इक्वल टू 3 है, इसमें a इक्वल टू 2 है, यानी आंसर मेरा a जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर a जो होगा वो करेक्ट होगा।